been almost a month since I am using the smart band 6. और इतने समय में तो यार सब चीज़ें पता चल जाती हैं, इसके प्रोस क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, हिडन फीचर्स और भी बाकी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैं आप लोग को छः ऐसे प्रॉब्लम्स बताने वाला हूँ जो कि मैं फेस कर रहा हूँ मी स्मार्ट बैंड 6 से, और हर एक प्रॉब्लम बताऊँगा। 6 मेजर प्रॉब्लम्स हैं और 3 माइनर प्रॉब्लम्स हैं। जो माइनर प्रॉब्लम्स है ना, वो मतलब कि जो मेरे को लगती है, हाँ यार ये भी होना चाहिए था, ये भी होना चाहिए था, और इतना पैसे अगर खर्च कर रहे हैं तो ये चीज़ भी होनी चाहिए थी। माइनर प्रॉब्लम्स में ना वो चीज़ ऐड करें। तो हे फॉर्च्यून गाइस, माय नेम इज कार्तिक एंड यू आर वाचिंग ऑल राउंड की त्रिवेदी। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड टू इट। तीन माइनर इशू थे, छोटे छोटे इशू जो। सबसे पहला इशू जो है वो मी बैंड 6 में आपको 1.5 इंच का एमोलेड कलर पैनल मिलने लगा, पर इसमें मी बैंड 6 में आपको कोई भी होम बटन नहीं मिलता है। इसमें आपको फेदर टच बटन जो रहता है वो वाला बटन हटा ही दिया है, सीधे हटा दिया है। मी बैंड 5 तक आपको मिलता रहा लेकिन इसमें नहीं मिलता। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, कुछ कुछ लोग बोलेंगे कि चल कुछ भी बोल रहे हैं, इतना अच्छे से दिखने लगे बैंड और अच्छी लगती है बिना बटन के। ऐसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मी बैंड 6 जो एक कॉम्प्लेक्स मेन्यूज मिलते हैं, बहुत सारे फीचर्स रहते हैं और कॉम्प्लेक्स मेन्यूज रहते हैं। जब आप और मेन्यूज में रहते हैं तो सर आपको होम पेज में आने के लिए बार बार राइट क्लिक करना पड़ता है, जो कि हैंडी नहीं रहता। अगर बटन मिलता तो आप बटन को प्रेस कर सकते हैं जिससे वो होम पेज तक ला सकती है या फिर मेन्यू से बाहर ला सकती है, लेकिन इसमें कोई बटन ही मिलता तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि बार बार मतलब राइट क्लिक करो तभी आपको होम पेज तक लाती है। जैसे कि आप शॉर्टकट कीज, अगर कोई भी शॉर्टकट कीज बीच में फंसे हैं और आपको होम पेज में जाना तो आपको फिर वैसे राइट क्लिक करना है, लेकिन अगर होम बटन है तो आप सीधे होम बटन क्लिक करेंगे आपका होम पेज जो है वो आ जाता है। अब भले डेडिकेटेड मिले या फिर ऐसे ही मिले, पर मिलना चाहिए था। मेरे को ये ओपिनियन है कि इसमें मिलना चाहिए था, जो कि मतलब ये राइट क्लिक करना इतना हैंडी नहीं रहता। इसलिए इसमें आपको शॉर्टकट कीज मिलती हैं, सिर्फ और सिर्फ 6 शॉर्टकट कीज मिलती हैं। मी बैंड 5 में आपको 10 शॉर्टकट कीज का सपोर्ट मिलता है, और अगर अपन उसको वेयर एप्लीकेशन से कनेक्ट कर लें तो आपको जितनी भी मतलब शॉर्टकट कीज लगानी है वो आप लगा सकते हो। लेकिन मी बैंड 6 में आपको ना वेयर एप्लीकेशन से कर सकते हैं ना फिर मी फिट एप्लीकेशन से, आप सिर्फ 6 ही शॉर्टकट कीज लगा सकते। आप कुछ कुछ लोग बोलोगे मी बैंड 5 कहाँ वेयर एप्लीकेशन सपोर्ट करते, स्क्रीन पर कार्ड आएगा उस पर क्लिक करके आपको देख लेना मैंने कनेक्ट किया वेयर एप्लीकेशन से, वैसे कर सकते हो। तो इसमें आपको सिर्फ 6 शॉर्टकट कीज मिलते हैं। मतलब पहले वाली मतलब 5th जनरेशन में 10 शॉर्टकट कीज प्रोवाइड करें, लेकिन 6th जनरेशन में आप उसको कम कर दिए, बढ़ाने की जगह कम कर दिए, तो सिर्फ 6 मिलने लगे, जो कि मिलनी चाहिए 10 तो कम से कम मिलनी चाहिए थी। अगर ज़्यादा नहीं मिलनी तो उतनी तो कम से कम मिलनी ही चाहिए थी। ये था जो अब मी बैंड 6 की जो प्राइसिंग है वो 3500 रुपीज़ है, 3500 रुपये है। 3500 रुपये में आपको इतना बड़ा डिस्प्ले मिल रहा है 1.5 इंच का, इतना बड़ा डिस्प्ले का आपको फायदा उठाना चाहिए था। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दे सकते हैं, मजेदार फीचर रहता है। अब मैंने ऑन ऑफ फीचर के साथ देते, ऑन करना ऑफ करना वो ऑप्शन के साथ देते, लेकिन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आपको मिलना चाहिए था। इतने पैसे खर्च करने के बाद आपको मिलना चाहिए था। मैं इससे थोड़े ज़्यादा पैसे खर्च करके और स्मार्ट वॉचेस ले सकता हूँ, उसमें आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिल जाता, लेकिन ये था कि मी बैंड 6 में आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलना चाहिए। इतने बड़े डिस्प्ले का फायदा उठा सकते हैं लोग आराम से, पर तो भी कुछ नहीं, इसमें आपको ये सब ये ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी नहीं मिलता। तो बस यही 3 फीचर्स, यही 3 प्रॉब्लम्स थी जो कि मैंने फेस करा, माइनर प्रॉब्लम्स थी। अब बात करते हैं मेजर इश्यूज की, जो कि 6 हैं। सबसे पहला मेजर इश्यूज में जो है मी बैंड में सबसे पहली बार मैंने 6 जनरेशन ऑफ मी बैंड में मतलब मी बैंड 6 में एसपी ऑटो का सपोर्ट दिया, क्योंकि ऑनर बैंड में आपको ऑनर बैंड 4 से ही मिल रहा था, लेकिन कुछ नहीं, मी बैंड 6 में आपको एसपी ऑटो का सपोर्ट मिलता है। वो भी आपको 100% एक्यूरेट नहीं मिलता है, आपको इनएक्यूरेट मिलता है। आप जब अपना हैंड को स्टिल नहीं रखते हो या फिर थोड़ा सा मूव कर देते हैं तो ये सीधे आ जाएगा कुडेंट मेजर करके आ जाएगा आपको, और तो नीचे लिखाएगा करेक्ट वे टू मेजर करके आपको बताएगा। चलो ठीक है, अब वहाँ तक अपने स्टिल भी रख लिए हैं। अब उसके बाद अगर एसपी ऑटो मेजर करोगे तो आपको हाँ रीड भी दे देंगे, लेकिन वो 100% एक्यूरेट नहीं है। 95% तक ही मेरे को लगता है एसपी ऑटो सेंसर जो वो एक्यूरेट है, बस 95%, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है, गलत है। अब एक चीज़ हो, मैंने अभी थोड़े समय पहले एक शॉट डाला था, शॉर्ट्स में डाला था, वाला वीडियो स्क्रीन पे आज में देख सकते हो वाला वीडियो, उसमें मैंने क्या मी बैंड 6 को टेस्ट किया था ऑरेंज के साथ। ऑरेंज में मैंने मतलब मी बैंड 6 को लगाया था, उसके बाद मैंने एसपी ऑटो टेस्ट किया था इसका, तो ऑरेंज का वो एसपी ऑटो दिखा रही थी, लिटरली ऑरेंज का वो एसपी ऑटो दिखा रही थी, जिससे ये प्रूव होता है कि ये जो है फेस रेटिंग भी प्रोवाइड करता है, तो ये गलत है। मतलब फेस रेटिंग जो है ये प्रोवाइड करता है, ऑरेंज फ्रूट्स इन सब की एसपी ऑटो जो है मेजर करता है, तो बुरा सा लगता है, मतलब दिमाग खराब होने लगता है। 500 रुपये और लगा सकता था या फिर सेल का वेट कर सकता था और ऑनर बैंड 6 खरीद सकता था। इतने में ऑनर बैंड 6 आपको सेल में 35 मिनट की मिल रही थी, मैं वो खरीद सकता था जिसमें आपको 100% एक्यूरेट एसपी ऑटो सेंसर मिलता है। नॉट टॉकिंग अबाउट सेकेंड प्रॉब्लम, मतलब मी बैंड 6 यानी कि 6 जनरेशन, मतलब मी ने 6 जनरेशन निकाल दी है बैंड की, लेकिन अभी तक आपको स्लीप ट्रैकर जो मिलता है वो 100% एक्यूरेट नहीं मिलता है।
क्या मतलब 6 जनरेशन हो चुकी हैं तो भी आपको अभी तक 100% एक्यूरेट हार्ट स्लीप ट्रैकर नहीं मिलता, 90-95% के करीब भी एक्यूरेट होगा और बिल्कुल मतलब इतना अच्छे से कंसिस्टेंट डेटा भी प्रोवाइड नहीं करता। ऑनर बैंड एक्यूरेसी के मामले में ऑनर बैंड जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं और आगे हैं, पर जिसमें जो भी शो होता है अजीब शो होता है, मतलब जब मैं बिस्तर मतलब लेट जाता हूँ ना, बस मैं जब लेटता हूँ तब से ये काउंट करने लगता है कि हाँ मैं सोने लगाऊँ, उसको भी लाइट स्लीप को पार्ट में दिखाने लगता है और बीच में उठ जाता हूँ और वापस से सो जाता हूँ तो ये वहीं तक का रीड करता है, जब मैं उठ गया इसको लगता है हाँ बस अब मैं उठ गया, फिर वापस से सो जाओ ना वो ये काउंट नहीं करता। ये तो मतलब अलग ही दिया हुआ है हमने कुछ, और इसका हार्ट स्लीप ट्रैकर भी अभी तक एक्यूरेट नहीं हुआ, तो यार कम से कम अभी अब तो कर देना चाहिए था, मतलब अब तो अपडेट करना चाहिए था स्लीप ट्रैकर को, जो एक्यूरेट थोड़ा करना चाहिए था, लेकिन अभी भी वैसा का वैसा ही है जैसा कि आपको पहले भी करा। एक्टिविटी डिटेक्टिंग मोड रहता है वो ऐसा रहता है, जब भी आप जैसे मैंने साइकिलिंग का मोड लगाया डिटेक्टिंग में, अब मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली आपको रिमाइंड करेगा कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, इसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, ऐसा आपको रिमाइंड किया। पर मैंने इसमें ऑटोमेटिक मतलब ऑटो डिटेक्ट मोड रहता है ऑन करके रखा ऑलरेडी कुछ है मिलते तो मैंने 4 बार ऑन करके रखा। अब मैं जैसे साइकिलिंग कर रहा था, अब साइकिलिंग कर लिया मैंने और घर जाके बैठा, तभी आपको रिमाइंड करेगा कि आप साइकिलिंग कर रहे हो, इसको रिकॉर्ड करना है या नहीं करना, तो मतलब ये भी इनएक्यूरेट है, मतलब जब अपन वो वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हैं तब ये वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, और जब मैं बैठ गया आके तब ये डिटेक्ट करें कि मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, मतलब मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तो इसको रिकॉर्ड करना है नहीं करना ये पूछ रहा, तब आप लोग खुद सोच सकते हो। और ये अगर साइकिलिंग के साथ में इसमें जो 6 के 6 वर्कआउट मोड मिलते हैं सबके साथ ही प्रॉब्लम आपको फेस करते हैं। नॉट टॉकिंग अबाउट फोर्थ प्रॉब्लम कनेक्टिविटी इशू, मी बैंड 6 में आपको ब्लूटूथ 5.0 का सपोर्ट मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मतलब फोन मेरा फोन जो साइड में रखा है मैं भी वहीं बैठा हूँ, अब फोन में कॉल आता है फिर रिमाइंड नहीं करता, कभी कभी ये रिमाइंड नहीं करता कि यार कॉल आता है, तो इससे काफ़ी मतलब मेरा तो नहीं लेकिन आप लोग का अगर ऐसा होगा तो आप लोग इंपॉर्टेंट कॉल जो रहता है वो ऐसे मिस हो सकते हैं, अगर आप रिंगटोन नहीं देंगे या फिर साइलेंट रहता है फोन आपका, तो मतलब आप साइलेंट पे फोन रखे हो साइड में और बैठे हो अब फोन आ रहा है तो आपको मतलब इतनी डिस्टेंस में तो कम से कम रिमाइंड करना चाहिए, लेकिन ये वही नहीं बताता है कि फोन आ रहा है कुछ हो रहा है, इवन इफ मैसेज के साथ भी कभी कभी ऐसा होता है। ये कनेक्टिविटी प्रॉब्लम मेरे को पता नहीं क्या आ रही है, अब या फिर ये मेरी बैंड के साथ अकेले आ रही है या फिर आप लोग के बैंड के साथ भी आ रही है, मुझे कमेंट करके बता देना, पर मेरी बैंड में आ रही है इसलिए मैंने इसको भी ऐड कर लिया। मी बैंड 6 और मी बैंड 5 दोनों में आपको 125 एमएच की बैटरी मिलती है जो कि काफ़ी बेकार है, काफ़ी कम है। मी बैंड 4 में आपको 135 एमएच की मिलती है, मी बैंड 1, मी बैंड 2, मी बैंड 3 और मी बैंड 4 में आपको अच्छी बैटरी मिलती है, अच्छी बैटरी बैकअप मिलता रहा, लेकिन मी बैंड 5 और मी बैंड 6 में आपको ऐसे बेकार बैटरी बैकअप दिया। मी बैंड 5 और 6 जो दोनों के दोनों एकदम लो बैटरी बैकअप प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम ये 10-12 डेज तक का बैटरी बैकअप प्रोवाइड करेंगे, अगर आप हैवी यूज़ करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ 2-3 दिन का प्रोवाइड करेंगे, और अगर लाइट यूज़ करते हैं तो 12 डेज मैक्स है। मी बैंड 4 इस मामले बहुत ज़्यादा आगे था, मी बैंड 4 का अगर आप हैवी यूज़ करते हैं तो भी 15 डेज का आराम से प्रोवाइड करते हैं बैटरी बैकअप, और अगर लाइट यूज़ करते ना तो 1-1.5 महीने तक ये चार्जिंग में लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, इतना अच्छा बैटरी बैकअप है मी बैंड 4 में। लेकिन मी बैंड 5 और मी बैंड 6 में बहुत ही घटिया तरीका बैटरी बैकअप प्रोवाइड करा है, मेरे को तो लगता है आगे आने वाली इनकी जनरेशन जो है जैसे मी बैंड 7 तक ना उसमें भी ऐसे डालेंगे या फिर और नीचे ना कर दी गई। इसकी प्राइसिंग मी वालों ने बहुत ही ज़्यादा घटिया करी है, बहुत ज़्यादा घटिया इसकी प्राइसिंग, आपको मी बैंड 6 जो 3500 का प्राइस रेंज में मिलता है, अब 3500 में भाई मैं 5000 रुपये और ऐड करके कोई स्मार्ट वॉच नहीं लूँगा GPS वाली, जो कि मैं ब्रांड लूँ इसमें GPS भी नहीं मिलता, तो भाई मतलब स्मार्ट वॉच लूँगा जिसमें GPS मिलता है, जैसे कि Amazfit की तरफ जा सकता हूँ मैं, अब मतलब ये तो एक ट्रेडिशनल ब्रांड वाले हाथ में वैसे उठना चाहिए पतला सा रहता है वैसे ही है। अब इतने में आप 3500 रुपये ले गए हो, अगर इसकी प्राइसिंग 3000 तक की होती ना तो मेरे को काफ़ी सही रहता, 3000 की इसकी प्राइसिंग मेरे को वर्थ लगती, लेकिन 500 और देना मेरे को वर्थ नहीं लगता, मैं मतलब बाकी लोग बोलेंगे हाँ ठीक है मैं तो ले लूँगा लूँगा, लेकिन कुछ कुछ लोगों के ना ये 500 रुपये बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब बिल्कुल मन नहीं करेगा उनका मी बैंड 6 परचेज करने का 500 रुपये और देकर, तो इसलिए मेरे को प्राइसिंग बहुत ही ज़्यादा घटिया लगी, अगर 3000 तक की रखते ना प्राइसिंग तो वर्थ रहता, लेकिन 500 और देना मेरे को बिल्कुल किसी महीने में वर्थ नहीं लगता। एक ही कुछ 6 मेजर प्रॉब्लम और 3 माइनर प्रॉब्लम जो कि मैंने मी बैंड 6 में फेस करी है। That's pretty much for video guys. If you like this video, please hit a like button. Don't forget to subscribe my channel. Also click on bell icon. Catch you guys later. See you.